तो दोस्तों यहाँ से आपने देखा कि मैंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर जो एक फ़ोटो लगाया है उसमें एक गाना बज रहा है जो देखने में काफ़ी बेस्ट लगता है। तो दोस्तों आप में से बहुत सारे लोग ये जानते होंगे लेकिन बहुत सारे लोग ये नहीं जानते होंगे, और कुछ लोग अगर जानते भी होंगे तो उन्हें ये होता होगा कि फ़ोटो तो लगा लेते होंगे लेकिन उसमें सॉन्ग कैसे लगाना है, उसमें PNG कैसी लगानी है, उसमें इमोजी कैसे ऐड करना है, ये नहीं जानते होंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ। लेकिन दोस्तों उससे पहले मैं आपको बता दूँ, यहाँ से आप देख रहे होंगे मेरे इंस्टाग्राम में जो यहाँ से डार्क मोड आ रहा है, लेकिन आपके इंस्टाग्राम में डार्क मोड नहीं आ रहा होगा, आपके इंस्टाग्राम में आ रहा होगा लाइट मोड यानी कि वाइट वाइट बैकग्राउंड। तो दोस्तों आप इसे कैसे कर सकते हैं, इसके लिए दोस्तों मैंने वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं। और दोस्तों आप भी अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को डार्क मोड में चला सकते हैं। तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूं कि आप भी अपनी स्टोरी पर फोटो को डालकर सॉन्ग इमोजी और बहुत सारे स्टिकर कैसे लगा सकते हैं। तो उसके लिए यहां से आपको दिख रहा होगा कोने में और स्टोरी, आपको इस पर क्लिक करना होगा। आप इस पर जैसे क्लिक करते हो तो यहां से आपको अपने फोटो को लगा देना है। अगर आपकी गैलरी में कोई फोटो हो तो आप यहां से गैलरी से लगा सकते हैं, यहां से आपको इस पर क्लिक करके। अगर आपकी गैलरी में नहीं है तो आप डायरेक्ट फोटो को शूट करके डायरेक्ट लगा सकते हैं। दोस्तों यहाँ से मैं एक गैलरी से फोटो को सिलेक्ट कर लेता हूँ जिसे मुझे डालना है, आप चाहें तो वीडियो को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आपको म्यूजिक कैसे लगाना है, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा बीच वाला ऑप्शन, आपको मिडिल वाले पे क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आपको मेरे फोन में दिख रहा होगा 4th नंबर म्यूजिक वाला ऑप्शन, हो सकता है आपके फोन में कहीं और भी हो तो आपको ढूंढ लेना है जहाँ पे आपको म्यूजिक दिख रहा हो, आपको उस पर क्लिक कर देना है सिंपली। उस पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ से आपको बहुत सारे सॉन्ग्स देखने के लिए मिल जाते हैं, आपको अपने हिसाब से कोई भी सॉन्ग्स को लगा लेना है जो भी आपको पसंद हो। अगर दोस्तों यहाँ से आपको कोई भी सॉन्ग पसंद नहीं आता तो यहाँ से ऊपर आपको सर्च बार भी दिया हुआ है, आप यहाँ से अपनी मनपसंद गाने को कोई भी चुन सकते हैं और यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको जो गाना आ गया उसको आपको लगाने के लिए सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना होगा, तो आप इस पर क्लिक करके गाने को लगा सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ से आप देख लीजिए दोस्तों हमारा गाना आ चुका है, और यहाँ से आप इस तरीके से भी इसके थंबनेल को चेंज कर सकते हैं। देख लीजिए दोस्तों बड़ा थंबनेल आ रहा है, और यहाँ से आप अपने गाने को सिलेक्ट कर सकते हैं इस तरीके से, 15 सेकंड का गाना आप जहाँ से चाहें वहाँ से लगा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आपको जो आ रहा है इसका कलर भी आप चेंज कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है दोस्तों। देख लीजिए दोस्तों कलर चेंज हो गया है, नीचे आप देख रहे होंगे जो कलर चेंज हो रहा है। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आपको डन पे क्लिक कर देना, और यहाँ से आपको अगर डाउनलोड करना चाहते हैं आप अपनी स्टोरी को तो यहाँ से आप डाउनलोड पे क्लिक करके सेकंड वाले ऑप्शन पर डाउनलोड कर सकते हैं अपनी स्टोरी को। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आप इमोजी भी बहुत सारे लगा सकते हैं, तो दोस्तों यहाँ से आपको बहुत सारे इमोजी देखने के लिए मिल जाते हैं, आप कोई भी इमोजी को लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए दोस्तों ये वाले इमोजी मैंने देख लिया तो लगा दिया है, आप यहाँ से कोई भी और भी इमोजी को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप कोई भी इमोजी को सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। देख लीजिए दोस्तों ये वाला इमोजी आ चुका है। तो इस तरीके से आप कितने भी चाहें इमोजी को लगा सकते हैं और अपनी स्टोरी को काफ़ी बेस्ट बना सकते हैं, जो एकदम प्रोफेशनल लगती है देखने में। अगर दोस्तों आप अपनी स्टोरी पे ड्रा करना चाहते हैं कुछ तो आप ड्रॉ कर सकते हैं इस तरीके से, आपको इस पर क्लिक कर देना है और इस तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ से कर दिया, ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों अगर आप अपनी स्टोरी पर कुछ टेक्स्ट लिखना चाहते हैं, कोई भी शायरी है फिर अपना नाम या कुछ भी, तो उसके लिए यहाँ से आपको सबसे लास्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा, और यहाँ से आप कुछ भी लिख सकते हैं इस तरीके से, जैसे मैंने यहाँ से अपना नाम लिख दिया, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से देख लीजिए दोस्तों नाम आ चुका है, इसे आप बड़ा कर चौड़ा कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों म्यूजिक लग चुका है, इमोजी लग चुके हैं, यहाँ से सब कुछ जो भी हमें लगाना चाहते थे सब कुछ लग चुका है। उसके बाद यहाँ से आपको दिख रहा होगा सेंड टू पर आपको क्लिक कर देना है, आप यहाँ से जैसे ही क्लिक करते हैं उसके बाद यहाँ से आपको ऑप्शन दिख रहा होगा योर स्टोरी क्लोज फ्रेंड। अगर दोस्तों आप चाहते हैं तो अपने क्लोज फ्रेंड में भी आप इस फोटो को शेयर कर सकते हैं, आपको अपनी स्टोरी पे शेयर करने के लिए डायरेक्ट यहाँ से शेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों ये बहुत ही सिंपल तरीका मैंने आपको बता दिया है अपनी स्टोरी में म्यूजिक को लगाना और इमोजी को लगाना।